हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 की कंटेस्टेंट देवोश्मिता के लिए गोविंदा ने क्यों भेजी लाखों की भेंट, इमेज भी देखकर हो गए हैरान। क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली एक्सप्रेस की। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंडियन आइडल के मंच पर जब गोविंदा आए थे तो वो देवोश्मिता के फैन हो गए थे। देवोश्मिता की गायकी को सुनकर उनके होश उड़ गए थे। और अब ऐसे में जब शो अपने फिनाले के नज़दीक पहुंच रहा है और गोविंदा को पता है कि देवोश्मिता को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि देवोश्मिता को रियाज करना होता है, पर देवोश्मिता के पास पैसों की कमी है। देवोश्मिता महंगे महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीद सकती हैं। यही वजह रही कि देवोश्मिता के लिए खुद गोविंदा ने बहुत ही महंगे महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गिफ्ट के तौर पर भेजे हैं, जिससे देवोश्मिता उन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके रियाज कर सके और शो में आगे बढ़ सके। गोविंदा ने इन इंस्ट्रूमेंट्स को 5 लाख रुपए में खरीदा है और एक साथ 6 से 7 इंस्ट्रूमेंट देवोश्मिता के लिए भिजवाए गए हैं। जब ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हिमेश ने देखे तो हिमेश भी हैरान हो गए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स थे। और इसके साथ गोविंदा ने एक नोट भी लिखकर भेजा कि हुनर कभी भी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे पास अगर किसी भी चीज़ की कमी हो तो हमें बताना, फिनाले नज़दीक है, जी जान से मेहनत करो। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर, हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।